नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज छात्रों के लिए जो आज की इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आए उसके बारे में। इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहे जिससे आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। इस चैनल के माध्यम से भारत की सभी यूनिवर्सिटी से सभी अपडेट जो आती हैं हम आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके राज्य की यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट नहीं मिली है तो आप कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो अपडेट आई उसके बारे में, छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें दो अपडेट, बड़ी अपडेट है। पहली अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दूसरी अपडेट इसके बाद हम दिखा रहे हैं, ठीक है। लिखा है कि ब्रज विश्वविद्यालय 18 अगस्त से हो सकती है यूजी और पीजी की परीक्षाएं। ये लेटेस्ट अपडेट निकल के आई उसकी बात हम कर रहे हैं, कोई ओल्ड न्यूज नहीं है ना कोई ये आप लोगों को ज़्यादा पुरानी न्यूज है, ठीक है। इसमें साफ साफ कहा गया कि 18 अगस्त यानी आने वाला जो 18 अगस्त है उसमें जो बीए बीएससी बीकॉम और एमए एमएससी एमकॉम के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। लिखा है कि ब्रज विश्वविद्यालय की ओर से यूजी और पीजी की परीक्षाएं 18 अगस्त से हो सकती हैं, जल्द ही परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो सकता है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने बताया कि परीक्षाएं 16, 17 और 18 अगस्त में से किसी एक तारीख को शुरू कर दी जाएंगी। एक दो दिन में परीक्षा का क्रम भी जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भरत और धौलपुर की परीक्षार्थियों के लिए 73 केंद्र बनाए गए। इन परीक्षा केंद्रों पर स्नातक एवं स्नातोत्तर के 36,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। संपूर्ण जानकारी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इस यूनिवर्सिटी यानी ब्रज विश्वविद्यालय में जो है परीक्षाएं वो 16, 17, 18 अगस्त में किसी दिन भी कराई जा सकती हैं, लेकिन इससे पहले एक दो दिन पहले टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। तो आप ब्रज विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट उसको चेक करते रहिएगा और जल्द टाइम टेबल आएगा तो आप लोग देख के उसी हिसाब से अपना पेपर देने जाइएगा। अब अगली बात करते हैं, जो अगली अपडेट है सबसे बड़ी उसके बारे में, चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इसमें लिखा है कि एमडीएस यूनिवर्सिटी की ओर से महाविद्यालयी परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी। यानी कि इस यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन जारी की, इन्होंने कहा कि एक दिन में दो पेपर देने होंगे, 50% जो है प्रश्न ही हल करने होंगे, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के होंगे प्रमोट और द्वितीय वर्ष की परीक्षा नवंबर में संभव। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने कहा कि एक दिन में, ठीक है, एक दिन में दो पेपर देने होंगे छात्रों को, ओके, एक दिन में दो पेपर देने होंगे छात्रों के, इसमें से 50% प्रश्न को, यानी 100 क्वेश्चन है तो 50 हल करने पड़ेंगे, अगर 10 हैं तो उसमें 5 ही हल करने होंगे। और प्रथम वर्ष के बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम के जो प्रथम वर्ष के जो छात्र उन्हें मिलेगा प्रमोशन, और जो द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं उनकी जो परीक्षाएं वो नवंबर में हो सकती हैं। ये यूनिवर्सिटी है जो नवंबर में द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराने की बात कर रही है। हालांकि अभी मैंने, मेरी जानकारी में और कोई यूनिवर्सिटी है कोई नहीं है जिन्होंने कहा हो कि हम परीक्षाएं नवंबर में कराएंगे, या तो उन्होंने परीक्षाएं करा ही ली हैं या तो सीधा प्रमोट ही कर दिया है, डेट बाद में नहीं रखी कि बाद में हम परीक्षाएं कराएंगी। तो ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी दो यूनिवर्सिटी से जो कि आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है।